Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Priyanka Jain. Today we will discuss about type of companies. तो type of companies क्या होती हैं? Three types of companies आज हम discuss करेंगे. On the basis of statute, on the basis of number of members या ownership और on the basis of liability. तो first one we discuss about on the basis of statute incorporation. Statute या incorporation. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैच्यू में हमारी फर्स्ट कंपनी आती है चार्टेड कंपनी, सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड थर्ड वन इज़ रजिस्टर्ड कंपनीज. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं चार्टेड कंपनीज. चार्टेड कंपनीज क्या होती हैं? जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए स्पेशल चार्टर गारंटेड बाय द किंग और क्वीन. ये कंपनीज कैसे इनकॉर्पोरेट होती थी? किंग और क्वीन के द्वारा एक चार्टर दिया जाता था. उसमें कोई भी पर्सन है, जब तक किंग और क्वीन के साइन उसमें नहीं करा देते, रॉयल चार्टर बोलते थे उसको, रॉयल चार्टर पास करना होता था, उससे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती थी. ये इंडिपेंडेंस से पहले होती थी कंपनी, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, द बैंक ऑफ इंग्लैंड. बट अब चार्टर्ड कंपनीज का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है. तो चार्टर्ड कंपनीज हमारी अब कंपनीज एक्ट में नहीं है. स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती हैं? स्टैट्यूटरी कंपनीज मेड बाय स्पेशल एक्ट. ये किसके द्वारा बनाई जाती है? स्पेशल एक्ट के द्वारा. कहाँ पर बनाई जाती है? किसके द्वारा बनाई जाती है? पार्लियामेंट में या फिर एनी स्टेट लेजिस्लेचर. इन कंपनी को बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट पास करा जाता है, उसके थ्रू ये कंपनी बनती है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके पास भी पावर होती है. फॉर एग्जांपल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट पढ़ा हुआ है हमने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, UTI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. जो स्पेशल एक्ट में जो कंपनीज बनती हैं उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. जैसे और किसी कंपनी में हमें अल्ट्रेशन करना हो तो हम उसका MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करते हैं. बट इसमें अगर चेंजेस करना है, इसमें MOA और AOA नहीं होता, इसमें अगर चेंज करना है तो हमें स्पेशल एक्ट में ही चेंजेस करवाने पड़ेंगे, तभी इसमें कोई चेंजेस आएंगे. नेक्स्ट वन है हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज. रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं? इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट. मतलब जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड होती है, कंपनीज एक्ट जो प्रेजेंट चल रहा है हमारा 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट जैसे 1956 का था जो हमारा. एग्जांपल है इसके इंफोसिस लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, जो हमारे पहले के एक्ट से रजिस्टर्ड हैं. तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में भी हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा है कंपनीज को. प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी जो न्यू कंसेप्ट आया है हमारा OPC, एंड थर्ड वन इज़ पब्लिक कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में? सेक्शन 268 में, OPC सेक्शन 262 में एंड पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 में. सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. तो प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200. इसके शेयर्स ईजिली ट्रांसफरेबल नहीं होते. नॉट ब्रिंग पब्लिक इशू. प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती है. इसके मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 15. और इसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होता है. अब हम देख लेते हैं OPC. OPC क्या होता है? सेक्शन 262 में डिफाइंड है. ये न्यू कॉन्सेप्ट आया था कंपनीज एक्ट 2013 में. इसमें क्या होते हैं? मिनिमम नंबर 1 होते हैं, मैक्सिमम नंबर भी 1 होते हैं. नॉमिनी रिक्वायर्ड होता है इसमें, मस्ट होता है नॉमिनी देना. और इसमें नॉमिनी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मेंबर्स की अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ वगैरह हो जाती है, तो नॉमिनी इसलिए रिक्वायर्ड होता है. मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं इसमें? 1. मैक्सिमम कितने होते हैं? 15. इसको एज ए प्राइवेट लिमिटेड ही कंसीडर करा जाता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्नोवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसमें प्राइवेट लिमिटेड के पीछे ब्रैकेट में OPC लगवाना जरूरी होता है, वन पर्सन कंपनी. नेक्स्ट वन आती है हमारी पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में क्या होता है? मिनिमम नंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं. इसके शेयर्स क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं. ये पब्लिक इशू भी लाती है पब्लिक कंपनी. मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं इसके? 3. मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं इसके 3 और मैक्सिमम होते हैं 15. और इसको अपने नेम के पीछे LTD
ओनली एलटीडी लगाना ज़रूरी होता है, जैसे इन्फोसिस लिमिटेड हो गई, इस टाइप से एलटीडी लगाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम कंपनीज को कितने उसमें डिवाइड करते हैं, थ्री में ही, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर कौन से सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 222। इसमें क्या होता है, मेंबर्स लायबिलिटीज आर लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर। मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है कहाँ तक लिमिटेड होती है, जहाँ तक उन्होंने शेयर अनपेड है, जहाँ तक उसका शेयर अनपेड है उस अमाउंट तक उसकी लायबिलिटी लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, वैल्यू पर शेयर क्या है, 10 पर शेयर 10 है, तो कितना हो गया 1,00,000। तो उसने पेड तो 9 कर रखे हैं, 9 पर शेयर पेड कर रखे, तो लायबिलिटी उसकी कितनी रह गई अनपेड 10,000। वो 10,000 के लिए ही लायबल होगा। फॉर एग्जांपल पे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज कैसी हैं, ऑल पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। सेक्शन 221 में ये डिफाइंड है लिमिटेड बाय गारंटी। मेंबर्स गिव्स गारंटी दैट विल पे द पर्टिकुलर अमाउंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मेंबर अपनी गारंटी देता है किस अमाउंट तक की देता है, जब वो लिक्विडेशन होती है। जो ये अमाउंट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, ये किस में डिफाइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मतलब MOA में डिफाइन होता है। जिस अमाउंट तक वो गारंटी देता है वो अमाउंट MOA में डिफाइन होता है। ये कंपनी क्या होती है, इनकी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कंपनी मे और मे नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम, इसमें कौन सी लिमिटेड बाई गारंटी कौन सी कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होती हैं, जो सेक्शन 8 वाली कंपनीज होती हैं, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी में आते हैं वो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, सेक्शन 292 में डिफाइन है, कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इसमें मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती लायबिलिटी की, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसमें मेंबर्स की। उसे अपनी पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क, उसकी पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे होती है। जैसे ये अनलिमिटेड कंपनीज उस टाइप की होती हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई और पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, उसी तरीके से जैसे उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, जहाँ तक उनको उन्होंने जितना उनको डेब्ट पे करना है तो करना ही है उनको क्रेडिटर्स का, तो वो अनलिमिटेड कंपनीज में आता है सेक्शन 292 में। तो आज हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यू, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सबको हमने 3-3 पार्ट्स में डिफाइन करा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यू में आते हैं हमारे चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। नंबर ऑफ मेंबर्स में आते हैं हमारे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, पब्लिक कंपनी, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में लायबिलिटी बाय शेयर्स, लायबिलिटी बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज आती हैं। सो थैंक यू for watching my video. If you like my video, share and subscribe. Thank you. Bye.